हेलो स्टूडेंट्स, साइंस का सेवेंथ लेसन मोशन फोर्स एंड वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम देखते हैं मोशन फोर्स एंड वर्क। तो व्हाट इज़ मीन बाय मोशन, इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि मोशन का मतलब क्या है और व्हाट कॉसेस चेंज इन मोशन, किस वजह से मोशन में चेंज आता रहता है। तो वी हैव सीन दैट अ चेंज ऑकर्स इन द मोशन और द शेप ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। किसी भी मोशन में या किसी भी शेप ऑफ बॉडी जो है, मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई फोर्स काम कर रही है तो उसमें चेंज आता है। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ही कोई भी वस्तु जो है आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से गतिमान होगी या चलेगी। नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्ट। तो फोर्स अगर काम करती है तो किस तरह से वर्क होता है या काम होता है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रंजीत्स हाउस इज एट प्लेस ए। द फिगर अलॉन्ग साइड शोज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय रंजीत टू रीच हिज स्कूल एट डी। इफ़ वी डू नॉट टेक डिरेक्शन इन टू अकाउंट, वी फाइंड दैट रंजीत ट्रैवर्स्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। However, on doing this, his displacement was equal to AD. अभी देखिए यहाँ पर हमें एक रंजीत का जो घर है उसका डिस्टेंस दिखाया गया है। तो वो उसका जो घर का डिस्टेंस है वो AB, फिर BC और CD इस तरह से हमें दिखाया गया है। 8 मिनट्स है, 500 मीटर्स लगते हैं, फिर 11 मिनट्स लगते हैं 700 मीटर B से C जाने को, और 300 मीटर्स है 6 मिनट्स लगते हैं सी से डी तक जाने को। और अगर हम डायरेक्ट ए डी पॉइंट देखें तो उसके लिए हमें 1000 मीटर लगते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमें दिखाया गया है कि रंजीत ट्रैवर्स्ड डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अगर रंजीत अपने घर का उस डिस्टेंस जो है उसे दिखता है तो उसे ए बी से, फिर बी सी से, फिर सी डी से इस तरह से जाना पड़ता है। हाउ एवर ऑन डूइंग दिस इज डिस्प्लेसमेंट वॉज इक्वल टू ए डी। और इस तरह से करने पर उसका जो घर का डिस्टेंस है ए डी इस तरह से आता है। सो रंजीत्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल इज शोन इन द पिक्चर विद द ब्रोकन लाइन ए डी। ए डी इज़ द मिनिमम डिस्टेंस अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रंजीत्स हाउस टू स्कूल। अभी रंजीत के घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है, अगर हम ए डी जो लाइन देखें वो स्ट्रेट है ना, मतलब कैसे है कि 1000 मीटर ही उसे लग रहे हैं। और यहाँ पर हम अगर देखते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी अगर वो जाता है तो 500, फिर 700, इस तरह से 1200 हो गए, 1200 और 1500, मतलब 500 मीटर उसको ज़्यादा लग रहे हैं अगर वो zigzag जा रहा है ए बी फिर बी सी फिर सी डी। और अगर वो स्ट्रेट जाता है ए से डी तक तो उसे 1000 मीटर लगते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस ए डी है, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है जो रंजीत अपने घर से स्कूल तक का तय करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय स्पीड एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। So, when we say that the speed of a car is 40 km per hour, there is no need to specify the direction. But to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential. अब देखिए अगर कोई कार है, अगर 40 km per hour से जा रही है तो हमें किसी भी तरह का डायरेक्शन वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं वेदर अ स्टॉर्म विल रीच अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, कि एक स्टॉर्म है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचता है या नहीं, तो वह मेंशन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो किसी वाहन के लिए, किसी व्हीकल के लिए हमें, अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है तो हमें उसे स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अभी यहाँ पर देखिए हमें डिस्टेंस क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स्ड बाई द मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक लेंथ है किसी रूट का, अगर वह ट्रैवर्स्ड बाई मूविंग बॉडी, जो कि एक मूविंग बॉडी के द्वारा मतलब जाता है, इरेस्पेक्टिव टू ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन मतलब वो जो लेंथ है वो क्रॉस किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर हमें डायरेक्शन की अगर जरूरत
ज़रूरत नहीं है। तो हम डिस्टेंस कह उसे कह सकते हैं डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय मूविंग बॉडी इन विन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल्स्ड होता है, मतलब ट्रैवल होता है मूविंग बॉडी से एक सर्टन डायरेक्शन में ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो हमें डायरेक्शन भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है, डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी देखा जाता है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। The unit of measurement of distance and displacement is the meter in the SI as well as in the MKS system of measurement. तो जो यूनिट है मेज़रमेंट का किसी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो जो है वो मीटर में बताया जाता है इन द SI और एज़ वेल एज़ इन MKS सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट। MKS सिस्टम भी अभी हमने देखा कि मुझे लगता है हमने लास्ट इसमें MKS और CGS सिस्टम दोनों देखे लास्ट लेसन में, तो हम उसे MKS में भी सिस्टम में भी मेज़र कर सकते हैं। अभी वेलोसिटी का मतलब क्या है? तो वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जो है इट इज़ द डिस्टेंस, यह एक डिस्टेंस है जो कि ट्रैवल्स होता है, यानी ट्रैवल होता है एक बॉडी से इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तय होने वाले जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, और वेलोसिटी किसी भी बॉडी का उसे हम एक पर्टिकुलर फार्मूला से जो है कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फार्मूला जो है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम required for the displacement। इस फॉर्मूले से वेलोसिटी जो है वह मेज़र की जाती है। यहाँ पर हमें यूनिट जो है उनके बारे में पूछा गया है कि स्पीड है, एक टास्क दिया है हमें, स्पीड और वेलोसिटी दी है, और राइट द फार्मूला स्पीड का है और वेलोसिटी का फार्मूला पूछा गया है। फिर राइट द यूनिट ऑफ द क्वांटिटीज़ जिसमें डिस्टेंस, टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड, मतलब एक का में पर्टिकुलर एक टास्क है जिसे हमें एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर हमें एक एग्जांपल नीचे दिया गया है जिससे हम उसे समझेंगे। द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज़ रिटन एज मीटर पर सेकेंड। तो यह स्पीड और वेलोसिटी जो है उसको लिखने का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है। लेट अस नाउ यूज़ द अबव फार्मूला टू फाइंड आउट रंजीत्स वेलोसिटी एंड स्पीड व्हेन ही गो स्कूल एज शोन इन फिगर 7.2। ऊपर हमने 7.2 फिगर में रंजीत अपने घर से लेकर स्कूल तक जाने का जो डिस्टेंस तय करता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल, हमने देखा कि रंजीत जब अपने घर से लेकर स्कूल तक जाता है तो कौन सा डिस्टेंस तय करता है। तो हमने ऊपर देखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब वह यह जो डिस्टेंस है यहाँ पर, सॉरी ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इससे वह तय कर रहा है। तो यहाँ पर हमें वही देखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी है 500 मीटर, बी सी है 700 मीटर और सी डी है 300 मीटर। तो यह टोटल 1500 मीटर जो है तय कर रहा है। तो टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल, तो जो टोटल टाइम है घर से लेकर स्कूल तक का, तो वह है 8 मिनट प्लस 11 मिनट प्लस 8 मिनट प्लस 11 मिनट प्लस 6 मिनट्स इज इक्वल टू 25 मिनट्स। यहाँ पर हमें ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी मीटर के साथ में हमें मिनट्स भी दिए गए हैं। तो टोटल टाइम भी हमें दिखाना है और टोटल जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिखाना है। तो रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल ए डी इज इक्वल टू 1000 मीटर। एक और स्ट्रेट वे जो हमको दी गई है, ए डी जो है वह
1000 मीटर की दी गई है। दस रंजीत्स वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो वो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला जो हमें ऊपर दिया गया है उसे यूज़ करना है। तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1000 मीटर का है और जिसमें उसे 25 मिनट्स लगते हैं, तो 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम 25 मिनट्स है। और अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 40 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड आता है। अनंतर जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.66 मीटर पर सेकंड आता है। तो रंजीत स्पीड व्हाइल गोइंग टू स्कूल है सेकंड जो AB प्लस BC प्लस CD में जो 1500 मीटर्स है उसे भी हम स्पीड के फॉर्मूले में रखेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड में है 1500 अपॉन 25 मिनट्स, तो ऊपर जो है वो 60 मीटर्स है और नीचे क्या आएगा 60 सेकेंड्स आएगा अगर हम उसे डिवाइड करते हैं 1500 अपॉन 25 को, तो आंसर विल कम 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो रंजीत डिड नॉट टेक स्ट्रेट रूट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस व्हाइल गोइंग टू स्कूल, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड केम आउट टू बी डिफरेंट। तो रंजीत जो है स्ट्रेट रूट से नहीं जा रहा था, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वेलोसिटी और स्पीड का, ये अलग अलग आ रहा था। हैड रंजीत एक्चुअली गॉन बाय स्ट्रेट रूट AD, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड वुड हैव बीन द सेम। और अगर रंजीत एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में AD से जाता है तो उसका जो है वेलोसिटी और स्पीड जो है वह सेम आएगी। अभी यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसे हम देखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन व्हाइल इट इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वह चेंज हो सकती है जब वह स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। सपोज दैट अ ट्रक इज़ कवरिंग अ डिस्टेंस, सपोज एक ट्रक है जो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर फ्रॉम A से लेकर D तक, अगर वो अपना डिस्प्लेसमेंट जो उसका डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आर के हिसाब से, दैट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 40 किलोमीटर आएगा। इफ़ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 hour फॉर दिस, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आर। और अगर उसे इफ़ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 hour फॉर दिस, अगर उसे 1 hour लगता है इसके लिए, तो उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आर आएगी। हाउएवर इफ द ट्रक ट्रैवर्सेस द 10 किलोमीटर डिस्टेंस AB इन 10 मिनट्स, BC इन 20 मिनट्स एंड CD इन 30 मिनट्स, देन वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस AB इन किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट्स। तो वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB, तो वेलोसिटी अगर हम डिस्टेंस देखते हैं AB से किलोमीटर पर आर में, तो 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट्स आती है, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट्स, मतलब आंसर विल कम 60 किलोमीटर पर आर। हाउ डिड्यूस द velocities for the distances BC and CD, we see that the velocity of a truck is different in different segments of road AB, BC and CD. However, the average velocity for the entire route AD is 40 km per hour. The velocity at a particular moment of time is called instantaneous velocity. The instantaneous velocity can be different at different times. तो जो instantaneous velocity रहती है वह हर समय पे हर अलग आती है। अभी हम एक्सीलरेशन यहाँ पर देखेंगे। तो इन प्रीवियस एग्जांपल द ट्रक कवर्ड द डिस्टेंस AB एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आर। तो एक पहले इसके पहले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एक ट्रक क्या है वो क्या कितना एरिया कवर करता है एक डिस्टेंस है AB जिसे वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आर पर वह क्या करता है कवर करता है। BC 30 किलोमीटर पर आवर पर और CD 40 किलोमीटर पर आवर पर। इट मीन्स दैट द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस CD इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस CD का जो है वह ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, डिस्टेंस वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC से ज़्यादा है। फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इन द वेलोसिटी टू टेक प्लेस द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कैन बी डिड्यूस्ड। सो फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड, और अगर हम जो नंबर ऑफ सेकेंड्स जो हैं
चेंज इस वेलोसिटी को लाने के लिए जो चाहिए हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कैन बी डिड्यूस। तो हर एक चेंज जो है वेलोसिटी में, वो पर सेकेंड चेंज जो है डिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एसिलरेशन, इसे हम एसिलरेशन कहेंगे। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एसिलरेशन, एसिलरेशन का क्या कारण है? तो यू नो दैट द ट्रक ड्राइवर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बाई मीन्स ऑफ एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर मतलब एक्सीलरेटर से अगर वो अपनी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा, कौन? ट्रक ड्राइवर। यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट रन्स ऑन अ क्लॉक वर्क स्प्रिंग। व्हेन इट इज़ रिलीज्ड ऑन अ फ्लैट फ्लोर आफ्टर वाइंडिंग अप द स्प्रिंग इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। हम एक स्प्रिंग की टॉय कार देखते हैं ना, अगर हम उसको चापी भरकर छोड़ देते हैं फ्लैट फ्लोर पर, तो वह जो है उसका जो आफ्टर वाइंडिंग अप द स्प्रिंग, उसका जो स्प्रिंग है जैसे जैसे वाइंड अप होता जाता है, इट गोज़ इन स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलती है ना। हाउ एवर व्हेन इट इज़ हिट ऑन वन साइड इट चेंजेस डायरेक्शन एंड कीप्स गोइंग। अगर हम उसे एक तरफ से हिट भी करते हैं तो वह अपना डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन फिर से वह स्ट्रेट लाइन में चलने लगती है। इफ़ इट कोलाइड्स इनटू अ वॉल इट स्टॉप्स, और अगर किसी वॉल से वह टकराती है तो वह रुक जाती है। इट मीन्स दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। हाउ डिड दिस चेंज टेक प्लेस, इस तरह का चेंज क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज द कार कम्स इंटू कॉन्टैक्ट विद समथिंग एक्सटर्नल टू इट। वो कार में कुछ एक्सटर्नल बाहरी और से कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसमें यह चेंज आता है। सो ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन चेंज। इसी तरह अगर हम फुटबॉल ग्राउंड पर देखें तो जो हम देखते हैं कि बॉल का जो डायरेक्शन है एकदम स्ट्रेट लाइन में था और सडन वो चेंज होता है, तो उसका क्या कारण है? तो वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हम क्या देखते हैं कि कुछ जो प्लेयर होते हैं उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं बाय किकिंग इट। किस तरह से? उसको किक करके, उस बॉल को किक करके उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। और इस तरह से अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी बॉल की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है। दैट इज़ टू सी एन एक्सीलरेशन टेक्स प्लेस, इसका मतलब एक एक्सीलरेशन जो है वह जो है उस प्रक्रिया में आता है। द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। और इस तरह से अगर इंटरेक्शन कुछ होता है तो उसकी वजह से अबाउट द एक्सीलरेशन उसको हम फोर्स कहते हैं, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। क्योंकि जो भी कुछ चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अगर कोई फोर्स उस बॉडी पर काम कर रही है तो। द यूनिट ऑफ फॉर एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है उसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना जाता है, ये उसकी यूनिट है। वेरीफाई दिस। अब इसके बाद है, टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप। एक हम ग्लास मार्बल जो कांच की गोटियाँ होती है ना वो लेंगे और उसे एक बिग स्मूथ टेबल टॉप पर एकदम फ्लैट और ऐसा स्मूथ जो टेबल टॉप है उसके ऊपर हम उसको रोल करेंगे। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। हम देखते हैं जब हम उसे ढकेलते हैं तो वो थोड़ा स्पीड में जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और वो रुक जाता है। ऑन अ कैरम बोर्ड टू द कैरम कॉइन पुश्ड बाय अ स्ट्राइकर विल मूव फॉरवर्ड सम डिस्टेंस एंड देन कम टू अ स्टॉप। इसी तरह अगर हम कैरम बोर्ड पे अगर हम खेल रहे हों तो स्ट्राइकर जो रहता है उसको कॉइन को जो है वो आगे ढकेलता है और फिर जाकर वो आके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स स्ट्राइकर से उस कॉइन पर काम कर रही है और उस पर हम फोर्स कौन लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं। इफ़ द कॉइन इज़ पुश्ड आफ्टर अप्लाइंग टेलकम पाउडर टू द कैरम बोर्ड इट विल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड देन कम टू अ स्टॉप। और इसी तरह अगर हम उस पर अगर पाउडर अप्लाई करें कैरम बोर्ड पर, तो वह जो टेलकम पाउडर की वजह से स्ट्राइकर बहुत ज़्यादा मूव होगा। व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, इससे हमें क्या पता पड़ता है? तो द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वेलोसिटी है इस कॉइन की वो डिक्रीज होती है, किस वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। एंड द कॉइन स्टॉप, और कॉइन जो है वो रुक जाता है। इफ़ द फ्रिक्शन बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन इज रिड्यूस्ड, और उस फ्रिक्शन अगर कैरम बोर्ड और कॉइन के बीच की जो है अगर वो रिड्यूस होती है, द कॉइन कीप्स मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो कॉइन जो है
वो बहुत लंबे समय तक मूविंग रहता है. इट वुड मीन दैट इफ़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी इट विल कीप ऑन मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब ये है कि नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग, अगर मूविंग बॉडी पर कोई फोर्स या फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो इट विल कीप ऑन मूविंग, वो बहुत ज़्यादा तेजी से वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा. विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से वह जा रहा है ना उसी स्पीड को वह कंटिन्यू रखेगा. द साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड रिजल्टिंग एक्सीलरेशन. तो साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने ही सबसे पहले इसके बारे में जो है स्टडी किए थे. अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज. फर्स्ट लॉ उनका यह है कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर काम नहीं करती है तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. दैट इज़ द बॉडी डज नॉट एक्सीलरेट. इन अदर वर्ड्स इफ़ अ बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी. अगर उनका मतलब है कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी यानी है जैसी कंडीशन में है वैसी ही वह रहेगी. इफ़ इट इज़ इन मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन. अगर वो मूविंग डायरेक्शन में है तो वो मूविंग डायरेक्शन में ही उसी स्पीड वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी. You have learned what is meant by force. You will see that a body is accelerated due to force. Suppose you place the 1 kg standard weight on a surface with no friction and pull it with an acceleration of 1 meter per second square. The force applied is called 1 newton. तो अगर एक 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड वेट है किसी सरफेस पे रखा है और उसे हम किसी बिना किसी फ्रिक्शन के और किसी तरह का फोर्स लगाए बिना अगर हम उसे देखते हैं तो उसका जो उस पर फोर्स जो अप्लाइड होती है वो 1 न्यूटन रहेगी. Place a weight of 1 kg on a smooth wooden table. Spread some talcum powder evenly on the table. Now pull the 1 kg weight with an acceleration of 1 meter per second square. Again pull it with an acceleration of 2 meter per second square. It means that now you have applied a force of 2 newton. You will have to take many trials for this experiment. तो 1 kg का एक वुडन सॉरी एक 1 kg का वेट लेंगे और से स्मूथ वुडन टेबल पर एक टेलकम पाउडर मतलब अपना जो पाउडर है फेस पाउडर वगैरह उस या हम इवनली टेबल पर स्प्रेड करेंगे वुडन टेबल पर और 1 kg का वेट रखेंगे और उससे पुल करेंगे. नाउ पुल द 1 kg वेट विद एन एक्सीलरेशन से पुल करेंगे जोर से तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका हमें क्या मिलेगा एक्सीलरेशन मिलेगा. अगेन पुल इट विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसे फिर से पुल करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर कितनी फोर्स अप्लाइड हुई है 2 न्यूटन अप्लाई हुई है. फोर्स इज मेजर्ड बाय एन एक्सीलरेशन दैट इट प्रोड्यूसेस. तो फोर्स जो है उसे हम एक्सीलरेशन से मेजर करते हैं जो वह प्रोड्यूस करता है. वी हैव लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्स अप्लाई टू ईट एंड वर्क डन. वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द वर्क एनर्जी रिलेशनशिप एंड दैट द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. सो हमने देखा कि वर्क और एनर्जी जो है वर्क एनर्जी रिलेशनशिप हमने देखा कि दैट द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. जो एबिलिटी है किसी भी काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं. अभी यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क क्या है. In the figure alongside a string attached to a wooden block on a table is passed over a pulley and टाइट टू अ वेट. देखिए यहाँ पर हमको 7.4 फिगर दी है. एक वुडन ब्लॉक है और उसके साथ हमने एक टाई किया है वेट टाई किया है ना यहाँ पर और फिर क्या किया है उसको पुलीज की सहायता से हमने टाइट किया है. ऑन अप्लाइंग अ सफिशियंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव. तो हम देखते हैं कि ये जो है वुडन ब्लॉक जो है उस पर अगर हम ऑन अप्लाइंग अ सफिशियंट वेट उस पर अगर हम वेट अप्लाई करें तो ब्लॉक विल बी सीन टू मूव. ब्लॉक जो है हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा. विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड हियर. कौन सी फोर्स इस पर अप्लाई होगी.
हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज, इस फोर्स को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, द वॉट विल हैपन ऑन अप्लाइंग मोर फोर्स, और क्या होगा अगर उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की गई, वैन कैन वी सी दैट द वर्क इज़ डन बाई अप्लाइड फोर्स, और कब हम कहेंगे कि कोई वर्क उस पर किया गया है. इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड वी कैन सी दैट इट हैज़ बीन डिसप्लेस्ड, अगर ब्लॉक मूव आगे होता है, आगे की तरफ ब्लॉक मूव होता है, तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन डिसप्लेस्ड, कि ये डिसप्लेस हुआ है. ड्यू टू द डिसप्लेसमेंट वी सी दैट द फोर्स हैज़ डन सम वर्क, और इस डिसप्लेसमेंट की वजह से हम कह सकते हैं कि फोर्स काम कर गई. कैन वी मेजर दिस वर्क, हम इसे मेजर कर सकते हैं क्या. वी नो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड द डिसप्लेसमेंट, हम कह सकते हैं कि जो भी वर्क हुआ है वो फोर्स और डिसप्लेसमेंट पर आधारित है. द फॉलोइंग फार्मूला एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप, इसमें कुछ फार्मूला है जो हम इस रिलेशनशिप को हमें बताता है. वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इनटू डिसप्लेसमेंट. तो वर्क डन बाय द फोर्स का मतलब क्या है, कौन सा फार्मूला है, फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इनटू डिसप्लेसमेंट मतलब एस. तो वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यह फॉर्मूला से हम वर्क डन जो है हम पता कर सकते हैं. इन द SI सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो SI सिस्टम में जो है वर्क का यूनिट जूल माना जाता है. वाइल द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जबकि जो उस पर यूनिट फोर्स के लिए काम कर रहा है वो यूनिट है न्यूटन. एंड द यूनिट ऑफ डिसप्लेसमेंट इज मीटर, और डिसप्लेसमेंट का जो यूनिट है उसे मीटर कहेंगे. इन द CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्थ, और CGS सिस्टम में यह जो यूनिट है वर्क का उसे हम अर्थ, अर्थ ERG इसे हम इस तरह से कहेंगे. इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ द टेबल इज अप्लाइड टू वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल एंड द ब्लॉक इज डिसप्लेस्ड बाय 1 मीटर, दैन इट कैन बी सेड दैट द फोर्स हैज़ डन 1 जूल ऑफ वर्क. इन दिस एग्जाम्पल द डिसप्लेसमेंट इज इन द डिरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हमने यह जो एग्जाम्पल देखा ना यहाँ पर, तो उस पर अगर हम फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पैरेलल अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं वुडन ब्लॉक पे, तो वो जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस होता है कितने मीटर से, 1 मीटर से. देन हम उस कह सकते हैं कि 1 जूल का जो वर्क है वो हो गया है. सो इन दिस एग्जांपल द डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है. और इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. तो आप इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके. देखिए इसका जो एक्सरसाइज है उसको भी मैंने अभी आपको शेयर किया है. तो अगर क्वेश्चन आंसर्स लिखते समय अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं.